हेलो, कैसे हो बच्चों? वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी एंड वी आर डिस्कसिंग रियल नंबर्स। दिस इज वीडियो लेक्चर नंबर 5। आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच पार्ट 1 टू पार्ट 4 बिफोर वाचिंग दिस पार्ट 5। सो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जैसे पिछले क्लास में बताया था कि एलसीएम और एचसीएम क्या होता है, और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, एलसीएम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। आज उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पिछली क्लास में हमने ये कहा था कि आप क्या करें कि आप एलसीएम में क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना, और एचसीएफ में क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, है ना। तो इस पे आज कुछ क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि आज का लेक्चर कितने देर का होगा। इसलिए बिना टाइम खराब किए आइए उस पे बात करते हैं। यहाँ पे हमने आपको पिछली क्लास में छोड़ा था, और इसके बाद एक चीज और आपको जानना चाहिए, और वो ये है कि एलसीएम ऑफ एनएचसीएफ में एक रिलेशन होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। ये एक रिलेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। ये दो नंबर के लिए ही होता है, सिर्फ और सिर्फ दो नंबर के लिए होता है, दो से ज्यादा नंबर के लिए वैलिड नहीं। मतलब ये जो वैलिड है वो सिर्फ टू नंबर के लिए है, दो से ज्यादा नंबर के लिए ये वैलिड नहीं है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके आधार पे फिर हम इसको डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो कि 96 एंड 144 का आपको निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ, और ये रूल को वेरीफाई भी करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 96 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 96 क्या क्या हो सकते हैं, 96 का प्राइम फैक्टर, 96 का प्राइम फैक्टर हो गया आपका, ये कैसे लिख सकते हैं 96 को, आप प्राइम फैक्टर की बात करें तो 96 को लिखेंगे 2, और यहाँ हो गया 48, 48 को फिर लिखोगे 2, और फिर क्या हो जाएगा 24, फिर इसको लिखोगे 2 और ये हो जाएगा 12, फिर इसको लिखोगे 2 और ये हो जाएगा 6, और फिर इसको लिखोगे 2 और ये हो जाएगा 3। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितनी बार 2, 1 2 3 4 5 और एक 3, तो 2 to the power 5 × 3, 100 एंड ये है 96। 144 को क्या लिखेंगे इसी तरह से, तो 144 को अगर लिखना है तो ये लिख सकते हैं 144 को इसी तरह से 2, और फिर क्या आएगा बताओ, 72, फिर आएगा 2 और ये आएगा 36, फिर आएगा 2 और ये आएगा 18, फिर आएगा 2 और ये आएगा 9, फिर आएगा 3 और दूसरा आ जाएगा 3। तो ये होगा 1 2 3 4, 4 times 2 to the power 4 × 3, कितनी बार, 2 बार, 1 और 1 2, 2 बार 3 है, 1 and 2, तो 2 बार 3 है और बाकी 2 है, कितनी बार, तो ये है 2 to the power 4, है ना, 2 to the power 4, 32, 36, 36, 18, 9, 3 into 3, राइट ना, तो 16 × 9 = 144। अब इसका अगर एलसीएम निकालना है, सपोज करो कि हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम निकालने के लिए इसका एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 5, और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये हो गया एलसीएम, एलसीएम हो गया 2 to the power 5 and 3 square, मींस ये हो गया 2 to the power 32 × 9, 9 2 = 18 and 9 3 = 27 and 1 = 28, ये हो गया। एचसीएफ अगर निकालना हो तो हम क्या कहेंगे, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, तो 2 कॉमन है दोनों में, लेकिन इसका लोएस्ट पावर क्या है, 2 to the power 4, 3 पेयर है लेकिन यहाँ लोएस्ट पावर क्या है, 3 का कॉमन 1, तो ये हो गया एचसीएफ, मीन्स 16 × 3 दैट इज 48,
48 जो है ये है HCF। कैसे? आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। HCF क्या करता है? HCF डिवाइड्स द नंबर। तो 48 96 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है टू टाइम्स। एंड 48 144 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कितनी बार? तीन बार। 48 थ्री जा 144। तो ये LCF डिवाइड्स द नंबर एंड LCM डिवाइडेड बाय द नंबर। तो LCM ये है और ये 96 से भी डिवाइड होगा तीन बार में और 144 से डिवाइड होगा टू टाइम्स। तो ये डिवाइड हो रहा है। तो LCM इज डिवाइडेड बाय द नंबर्स, HCF विल डिवाइड द नंबर्स एंड दैट हैज बीन प्रूव्ड हियर। Now the next thing which we want to prove here is the product of two number is equal to LCM into HCF. तो देखो LCM into HCF क्या हो गया? आप देखिए ये हो गया 288 into 48 ये हो गया और ये कितना होगा? तो ये product करेंगे तो ये product होगा product, अब product of two numbers भी कर रहे हैं देखो। तो ये इसको 144 इंटू टू भी लिख सकते हैं है ना, और ये 48 है। अब इसी को 144 इंटू 48 इंटू टू 96 भी लिख सकते हैं और ये क्या है? यही तो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसका मतलब हुआ कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है और ये यहाँ पर वेरीफाइड भी हो गया, वेरीफाइड। तो ये एक फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि LCM into HCF is equal to product of two numbers। अब इसी सब नॉलेज के आधार पर आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना, LCM into HCF is equal to product of two numbers। लेकिन उससे पहले आप ये याद रखें कि LCM में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कोई भी प्राइम फैक्टर्स हो उसका हाईएस्ट पावर लेंगे। और HCF में क्या करना है? लेना है lowest power of common prime factors, common ध्यान रहे common जो है उसी का common prime factors, ये हमें लेना है। तो ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए है ना, ये चीज कि इसमें lowest power लेना है और इसमें LCM में क्या करना है, highest power of prime factors, कॉमन नहीं कोई भी हो, कॉमन हो वो भी जो नहीं हो वो भी, प्राइम फैक्टर्स। तो ये एलसीएम में लेना ये HCF में लेना। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको एलसीएम और HCF निकाल सकते हैं और न बल्कि ओनली निकाल सकते हैं बल्कि हम क्या कर सकते हैं, ये एक रिलेशन जो है वो भी वेरीफाई कर सकते हैं कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कोई, और या अब एक्सरसाइज में ही चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। ये देखिए ये बहुत ही आसान है, 140 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट करना। तो 140 को हमें दिखाना है प्राइम फैक्टर्स के रूप में, तो 140 को क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखें। हाँ, पहला क्वेश्चन है 140 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे कर सकते हैं या एक और भी तरीका है जिन लोगों को ट्री बनाना नहीं आता, जैसे इस तरह का 140 को हम लिखें यहाँ पे 2 और फिर लिखते हैं 70, फिर 2 लिखें फिर क्या लिखें 35, फिर हम लिखें 5 और फिर क्या लिखते हैं 7। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री मेथड से ऐसे कर सकते हैं और इस तरीके का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना, इस तरीके का। लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक और भी तरीका है करने का, कैसे किया है ये जानना जरूरी नहीं है, आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के बारे में लिखना है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, इसको 14 इंटू 10 लिखते आप चाहें तो, ठीक है ना, रफ में जैसे हम ये कर रहे हैं 140 को 14 इंटू 10 लिख दिया, आसान है। 14 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7 और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो 2 कितनी बार आ गया, दो बार, और एक आ गया 5 और एक आ गया 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, ये हो गया है ना, 2 × 2 × 5 × 7। इसी तरह से इसको लिखना है हमें
156 को, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 156 को आप लिख सकते हैं, ये 12 इंटू 13 होता है, और 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया। आप ऐसे प्राइम फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो एक और भी तरीका है, वो क्या तरीका है कि 156 को लिखें ऐसे और फिर इधर हम 2 से डिवाइड कर दिए, तो 2 से 7 2 जब 14, 6 है तो 2 से डिवाइड हो गई, ये बात तो पता चल ही रहा है कि जिस डिजिट के जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वो 2 से डिवाइड होता है, इतना तो पता चल रहा है ना, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 7 2 जा 14 एंड 8 2 जा 16, फिर 8 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो ये हो गया 3 2 जा 6 एंड 9 2 जा 3 2 जा 6 एंड 9 2 जा 18। अब फिर यहाँ 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया 13, तो इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 ऐसे, तो ऐसे सारे नंबर्स को आप प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। 3 8 2 5 है, अब एक तो 5 से ही डिवाइड होगा ही होगा, है ना, तो 5 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, जैसे यहाँ देखिए कर लिया हमने कि 3 8 2 5, 5 से डिवाइड किया तो ये मिल गया 7 5 जा 35, 3 3 2 30, 7 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा आराम से, तो ये हो गया 1 और यहाँ पे 2 बच गया, 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15। अब ये 5 3 8 1 9, अगर 9 है तो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको आसानी से, और 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा क्या, बोलिए 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3 एंड ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 17। तो क्या मिला प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 बार 3 है ना, 2 बार 3 2 बार 5 है ना, 2 टाइम्स 5 और 1 17। तो इस तरीके से आप इसको भी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो क्या, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 ऐसे ऐसे ही। ये है चौथा, ध्यान से देखिए चौथा क्या है, ये है 5005, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5005, 5 देख के ही लग रहा है 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 1001 है ना, और ये किससे डिवाइड होगा, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, 11 9 जा 99, 1 बचेगा, 1 पे 1 11, 11 1 जा 11। अब ये 13 से या 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 13 7 जा 91, तो ये हुआ 5 7 11 13, 5 × 7 × 11 × 13 ऐसे। तो ये सब क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, 7 4 2 9, 9 2 11, 11 4 15 एंड 7 22, ये न तो 2 से डिवाइड होगा न 3 से डिवाइड होगा, तो आप देखेंगे किससे डिवाइड होगा, क्या ये 7 से डिवाइड होगा, देखते हैं, 7 1 जा 7 एंड 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7 एंड 7 6 जा 42, नहीं होगा 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये किससे डिवाइड होगा, 11 से होगा नहीं, 13 से चेक कर लेते हैं वेदर इट विल बी डिविजिबल बाय 13, 13 से डिवाइड करने के लिए क्या तरीका है, 13 5 जा 65 65, ठीक है ना, 65 तो 5 4 9, 13 7 जा 91 और ये 19 बच रहा है, ये भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, तो किससे डिवाइड, तो हम 17 से डिवाइड करके देखेंगे कि 17 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो 17 4 जा 68 है ना, 68 फिर बचेगा कितना, 6 6 2 62, तो 17 4 जा तो जाएगा नहीं, 17 3 जा 51, फिर 11 बचेगा, 17 7 जा 119, सो ये 17 से कैंसिल हो जाएगा, तो 17 × 400 एंड कितना, 17 × ये देखिए 7 4 2 9, अगर हम 17 से इसे डिवाइड करें, 17 4 जा 68, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे बचेगा 6 और ये 2, तो ये 17 3 जा 51 एंड बचेगा 1 और ये 9 और फिर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 17 7 जा 10, तो ये कैंसिल हो गया पूरा, इसका मतलब ये हुआ कि हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 × 4 37 लिख सकते हैं, है ना,
इंटू 437 लिख सकते हैं। 437 क्या ये प्राइम है? ये चेक करें कि अब आगे किसी से, चूंकि 17 से डिवाइड हो रहा था तो अब उसके आगे किसी और प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या? 19 से चेक कर लेते हैं। 19 टू जा 38, बचेगा 5। 19 थ्री जा, यस 19 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो गया 19। 19 टू जा 38 एंड बचेगा 5। 19 थ्री जा 57। तो ये प्राइम फैक्टर्स, ये तीनों ही प्राइम फैक्टर्स है, तो आंसर ये लिखने के बजाय ये लिखा जा सकता है ना, ये लिखा जा सकता है, ये प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में है। तो किसी को भी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीज आप जान सकते हैं डिवीजन के बारे में कि कैसे डिविजिबिलिटी पता करते हैं, मैं बोल देता हूं, आप चाहे तो नोट कर लीजिए या सुन लीजिए। वैसे तो आप जानते होंगे लेकिन फिर भी, किसी डिजिट के लास्ट डिजिट अगर 02468 हो तो 2 से डिवाइड होगा। किसी डिजिट के किसी नंबर के डिजिट का सम यदि 3 से डिवाइड हो तो वो 3 से डिवाइड होगा। किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। किसी नंबर के लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो 5 से डिवाइड होगा। इसी तरह से किसी नंबर के अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस अगर 0 या 11 से डिविजिबल हो तो 11 से डिवाइड होगा। किसी डिजिट के नंबर के डिजिट का सम यदि 9 से डिवाइड हो तो 9 से डिवाइड होगा। ये सब कॉमन थ्योरी है जो आपने पहले पढ़ा होगा और उसी के आधार पे हम डिवाइड कर सकते हैं या डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं कि किसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन का आंसर। और ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना था इनका, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन है कि फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। बिल्कुल सही है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 26 एंड 91। 26 को 2 इंटू 13 लिख सकते हैं, इसको 7 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है। 7 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। और 13 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो ये 13 7 जा 91 एंड 91 इंटू 2 182, ये हो गया इनका एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इसका होगा, एचसीएफ होगा क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर, लोएस्ट कॉमन पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो ये 2 कॉमन नहीं है दोनों में, नहीं है ना, 7 भी कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है, 13। और 13 का लोएस्ट पावर क्या है, 1, तो 13 हो गया एचसीएफ। अब बात आई वेरिफिकेशन की, तो वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो ये देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम है ये 182 और एचसीएफ क्या है, 13 है ना। अब इसको हम 91 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 13 लिख सकते हैं। अब ये हो गया 91 इंटू 26, यही तो है हमारा नंबर, एक है 91 दूसरा है 96। तो ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है ना। इसी तरह से सेकंड और थर्ड आप कर सकते हैं खुद ब खुद। एक और मैं कर देता हूं, ध्यान से देखिए। दूसरा है 510 एंड 92। 510 को प्राइम फैक्टर में कैसे लिखोगे, ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 17 3 जा 51 एंड 5 2 जा 10, 10 और 51 मिलके प्रोडक्ट करेंगे तो 510 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 इंटू 46, 46 को फिर 2 इंटू 23 लिख सकते हैं। तो अब एलसीएम इनका क्या होगा, एलसीएम होगा इसमें आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और ये है 2 स्क्वायर इंटू 23। हाईएस्ट पावर लेना है तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1। 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1। 17 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1। और 23 का हाईएस्ट पावर, 1। तो ये हो गया इनका एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा, क्या कॉमन है इसमें, कॉमन 2 को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ इसका हो गया कितना, 2। एचसीएफ हो गया 2।
नाउ वेरिफिकेशन करना है हमें, तो वेरिफिकेशन कैसे होगा? वेरिफिकेशन के लिए आप लिखेंगे एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू, क्या हो गया? एलसीएम क्या है? तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 2 एचसीएफ। अब ये हमें चाहिए कितना? 92 इंटू 510 करना है। तो 92 कब होगा? ये जब ये 23 और ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो 92 हो जाएगा। तो ये 92 और बचा हुआ बाकी सबका प्रोडक्ट इसका 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 और इसका मिलके क्या होगा? तो 5 इंटू 2 10 एंड 17 इंटू 3 51 इंटू 10 510। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप इसको ओरल प्रोडक्ट भी ऐसे ना करके, ओरल प्रोडक्ट करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टू नंबर्स है ना। तो इस तरीके से अब तीसरा इसका अपने आप कर लेना, या कर दूं उसको भी 336 एंड 54। देखो वो भी कर देते, 336 एंड 54। दिस वाज द क्वेश्चन 336 एंड 54। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है ये देख सकते हैं, 336 एंड 54। तो इसको भी 54 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू 2 लिख सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 3 टू द पावर 3। एंड 336 को क्या लिख सकते हैं, 336 को आप लिख सकते हैं, 336 को अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये 2 से तो डिवाइड होगा, पहले देखिए 2 से डिवाइड होगा तो ये हो गया 16 और 8 है ना, फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये हो गया 8 और 4, फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 42, फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये हो गया 21, और फिर 3 से डिवाइड होगा तो ये हो गया 7। सो 2 का पावर कितनी बार, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब आपको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा इसका? तो 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो हाईएस्ट पावर हमें लेना है तो 2 का पावर 4। 3 का पावर यहाँ हाईएस्ट 3 है और 7 का पावर 1। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ होता है जो कॉमन, कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है लेकिन लोएस्ट पावर क्या है, 1। 3 भी कॉमन है, इसका लोएस्ट पावर यहाँ है 1, तो 3 का पावर 1 दैट इज 6। नाउ फॉर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या कर सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल, ठीक है, क्या हो गया? एलसीएम है 2 टू द पावर 4, 3 का पावर 3 इंटू 7 और एचसीएफ है 6, है ना। तो ये देखिए क्या क्या मिल जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें चाहिए 3 का पावर 3 एंड 2, तो एक 2 इसमें से निकाल लेंगे तो यहां से बच जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू, यहां से एक 3 रह जाएगा, है ना। सो इट विल बी फाइनली ये तो मिलके हो जाएंगे कितना, ये 3 का पावर 3 27 इंटू 2 54, ये 54 हो जाएंगे, और ये सब मिलके कितने होंगे, तो ये 2 जो है ये 54 हो गए, यहां से यहां तक ये मिलके हो गए 54, और ये हो गया 54 इंटू 7 3 21 इंटू 2 का पावर 4 कितना 16, तो ये हो गया 54 इंटू 16 1 16 16 2 36 एंड 16 2 32 एंड 1 33, ये आ गया। एंड दिस इज व्हाट, नथिंग एल्स बट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आप प्रोडक्ट करके भी, हम थोड़ा सा ये इस तरह से कर रहे हैं, आप चाहें तो इनका प्रोडक्ट करके एक लिख दीजिए और इन दोनों का प्रोडक्ट करके भी लिख दीजिए, दोनों बराबर है, तो आप प्रूफ कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इस तरीके से ये वेरीफाइड हो गया, है ना। तो उम्मीद है कि ये सब आपने अच्छे से सीख लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें नहीं है, है ना। तो इसके बाद फिर लेते हैं ब्रेक, थोड़े रिलैक्स कर लो, उसके बाद हम फिर से आपको मिलते हैं अगली क्लास में और अगले वीडियो में फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज आपने अच्छे से समझ लिया होगा और खूब आपको मजा आया होगा, आपने समझ लिया होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और निकालने के पश्चात
ये जो रूल है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में करते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, थैंक यू।